आज नामांकन जो हुआ है, यह नामांकन केवल वंशीधर ब्रजवासी का नामांकन नहीं है, यह नामांकन शिक्षकों की उम्मीदों का नामांकन है, यह नामांकन स्नातक बेरोजगारों के रोजगार की उम्मीद का नामांकन है। आज पत्रकारों के लिए भी कोई नहीं बोलता है, आप उनके लिए दिन भर खूब बोलते हैं, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जमुई में हमारा शिक्षक कपड़ा उठाकर दिखाता है, हुजूर 70 लाठी मारी गई है, और यह सुशासन का कालिया जो इस विभाग का अपर मुख्य सचिव है, यह अपर मुख्य सचिव संवेदना का एक शब्द नहीं बोलता है। बिहार के मरे हुए राजनेताओं की आत्मा को जीवित करने की यह लड़ाई है। आई टाइगर सब जो है, नहीं कोई टाइगर नहीं है, ये सब कैटी डॉगी सब है। बिहार का बेटा बेकार है या केरल वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है। ताकि टाइगर है, ऐसा टाइगर को जूता से रौंद डालेंगे। चलेगा ये बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चलेगा, जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर। ये लोग जो लोक लुभावन बात करने वाले लोग हैं, इस बार नौजवान जवाब देंगे। आरओ के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज थाना रोड कांटी, अगर आप घर ऑफिस कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। आज नामांकन जो हुआ है, यह नामांकन केवल वंशीधर ब्रजवासी का नामांकन नहीं है, इसको आप इस रूप में नहीं लीजिए। यह नामांकन तिरहुत ही नहीं, पूरे बिहार के अमन पसंद, संघर्ष में विश्वास करने वाले तमाम संघर्षशील लोगों का नामांकन है। यह नामांकन शिक्षकों की उम्मीदों का नामांकन है। यह नामांकन स्नातक बेरोजगारों के रोजगार की उम्मीद का नामांकन है। यह नामांकन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कराने का नामांकन है। यह नामांकन वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान दिलवाने की लड़ाई का नामांकन है। यह नामांकन संघर्ष का आगाज है। यह नामांकन स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू कराने का नामांकन है। यह नामांकन आप पत्रकारों को भी न्याय दिलाने का नामांकन है। आज पत्रकारों के लिए भी कोई नहीं बोलता है, आप उनके लिए दिन भर खूब बोलते हैं, आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। झारखंड में अधिवक्ताओं को पेंशन मिल गया, यहाँ अधिवक्ताओं को कुछ नहीं मिला। बिहार के शिक्षकों को आज अनुमंडल परिभ्रमण योजना चलाया जा रहा है, पूरा अनुमंडल अनुमंडल घुमाएंगे, किसी को पत्नी और बच्चा के साथ नहीं रहने देंगे। यह बेघर करने वाले लोगों के कुटिल नीति का जवाब की लड़ाई है। यह जो नामांकन है, यह पिछले 1.5 साल में 200 से ज़्यादा शिक्षकों की जो मौत हुई है, इन मौतों की हिसाब की लड़ाई है। यह लड़ाई शिक्षक जो आज जगह जगह शेखपुरा में शिक्षक को गोली मारी जाती है, मुहिद्दीन नगर में शिक्षक को गोली मारी जाती है, जमुई में हमारा शिक्षक कपड़ा उठाकर दिखाता है, हुजूर 70 लाठी मारी गई है, और यह सुशासन का कालिया जो इस विभाग का अपर मुख्य सचिव है, यह अपर मुख्य सचिव संवेदना का एक शब्द नहीं बोलता है। यह संवेदनशील लोगों की लड़ाई है। मैं तो जानता था, सोचता था, पहले जब हम लोग कहते थे कि नई नंग छिंदंती शास्त्राणी, नई नंग दहती पाप कहना चाहिए, नंग क्लेद्यंते आपो न सोचती मारुता, कहते थे कि आत्मा नहीं मरती है। बिहार के मरे हुए राजनेताओं की आत्मा को जीवित करने की यह लड़ाई है। यह लड़ाई है, हम बताना चाहते हैं, आज लोगों की आत्मा मर गई है। आज बिहार में स्नातक प्रतिष्ठा की डिग्री दी जाती है, एकमात्र डिग्री है जिस डिग्री के साथ प्रतिष्ठा शब्द जुड़ा हुआ है, और उन्हीं के वोट से लोग चुनाव जीतते हैं स्नातक का, और जाकर लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, और सुशासन की जो वहाँ चरण वंदना में लोग लग जाते हैं, और सरकार सत्ता की चरण वंदना करके आभा मंडल विस्तार करते हैं, कभी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। या आपका भाई, इस तिरहुत का बेटा, शिक्षकों का नेता, और जितने भी संघर्ष पसंद लोग हैं उनका उम्मीद, यह नौजवान सदन के अंदर जब दहाड़ेगा आप देखिएगा। एक तरफ NDA प्रत्याशी है, और एक तरफ दूसरे तरफ जो है अति महागठबंधन से प्रत्याशी जो बनाया गया है, दोनों के द्वारा बोला जा रहा है कि हम एक तरफ जो है NDA बोल रहे हैं कि हम लगातार विकास कर रहे हैं, और उनके साथ जो है इनसे पहले के जो जीते हुए जो है सांसद, अब सांसद बन गए हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है टाइगर जिंदा है। ये टाइगर कौन है? ये टाइगर अगर जिंदा है तो इनका ये बाघत्व कहाँ है? यह टाइगरनेस कहाँ है इनका? अगर ये कहते हैं कि टाइगर हैं, कौन टाइगर है बिहार में? और जो टाइगर है, टाइगर से तो हर लोग डर जाते हैं। टाइगर जो है वह क्या, आपके पास टाइगर आ जाए तो आप सहज रहेंगे? जो अपने को टाइगर कहता है, अपने को लायन कहता है, तो उसकी प्रकृति जिसकी हिंसक होगी, जंगली प्रवृत्ति होगी, आक्रामक प्रवृत्ति होगी, तो वो अपने को टाइगर कहेगा? हम टाइगर तो नहीं है, मैं तो एक संघर्ष करने वाला इंसान हूँ, नौजवान हूँ, तिरुत का बेटा हूँ, और आज शिक्षकों को जहाँ तक पहुँचाया इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है, यही हमारी पूंजी है। छात्रों के लिए, कभी मैं यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए संघर्ष करता था, शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, जो यहाँ के नौजवानों के की जो हकमारी की गई है, ये टाइगर कहाँ थे जो हकमारी हो रही थी?
दो मिसाइल की नीति हटाई गई। आज मुख्यमंत्री पटना में गांधी मैदान में बहाल लोगों को बहाली का पत्र बांटते हैं। या देखते हैं, यह बिहार एकमात्र ऐसा नमूना राज्य है जहां के मुख्यमंत्री वर्दी पहना के लोगों को नियुक्ति पत्र बांटते हैं। जो दरोगा बहाल हो जाएगा तो वर्दी पहन के नियुक्ति पत्र लेने जाएगा कि ज्वाइन करेगा तब दरोगा बनेगा। ये पहला ही वर्दी देकर नियुक्ति पत्र ले, अरे काहे हास्यास्पद बना रहे हैं। जो पहले से शिक्षक थे उन्हीं लोगों को एक विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं सक्षमता परीक्षा लेके, और फिर नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जो 21 साल से काम कर रहा है उसको फिर से नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये सब लोग जो है ना डिरेल्ड हो गया हुआ है। आई टाइगर सब जो है ना, कोई टाइगर नहीं है, ये सब कैटी डॉगी सब है, ये सब टाइगर नहीं है। टाइगर रहता तो बोलता। जिस दिन बिहार के नौजवानों के साथ हकमारी हुई, जिस दिन बिहार के नौजवानों का हक छीना गया, आज आपको पता है कि जब शिक्षकों की बहाली हुई तो बिहार का नौजवान रोड पर रह गया, और राजस्थान के लोगों को बहाल करा रहे थे, केरला और तमिलनाडु के लोगों को बहाल करा रहे थे, और दिखा रहे थे कि यहाँ केरल से लोग आए हैं, आंध्रा से लोग आए हैं, बिहार इतना विकसित हो गया है, बिहार का बेटा बेकार है या केरल वाले को रोजगार है, यही सुशासन की सरकार है, हिसाब होगा। भीड़ में जो वोट में तब्दील होगा क्या लग रहा है? हमारे पास भीड़ कहाँ? सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें महलों पे जाना है, हमें आसमां पे जाना है और रास्ते खुद बनाना है। हमारे पास जितने लोग हैं ये सब आसमां पर जाने के लिए ये सभी हौसला वाले लोग हैं। आप हाथ उठवा के देख लीजिए, सारे के सारे वोटर हैं। और उस दिन जो हाथ उठाया गया था, आप देखे हैं ना, एक नेताजी का नामांकन हुआ है तो उन्हीं के नेताजी मंच से हाथ उठवा दिए कि कितने लोग वोटर हैं, तो 1000 लोगों में 35 लोग हाथ उठाते हैं कि हम वोटर हैं। ये भीड़ के पास विजन है या स्नातकों का चुनाव है? हमारे पास जितने लोग हैं, कम से कम जितने हमारे साथ आए हुए हैं, सभी कम से कम ग्रेजुएट हैं, पीजी या पीएचडी किए हुए लोगों की कमी नहीं है। हम तो उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई केवल और केवल शिक्षित बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई पत्रकारों की, अधिवक्ताओं की, शिक्षित बेरोजगारों की, शिक्षकों की, बेरोजगार नौजवानों की, संविदा पर बहाल लोगों की। आज संविदा के आधार पर 12000 रुपया पर आप बहाल कर रहे हैं किसको? तो इंदिरा आवास सहायक को। 12000 रुपया में इनके घर में पलने वाले कुत्ता का पेट पलता है? 5000 रुपया दे करके, 10000 रुपया दे के रोजगार सेवा का बहाल कर रहे हैं। आइए, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल कर रहे हैं 10000 रुपया में। ये 10000 5000 रुपया दे के ये विद्यालयों में आपने रात्रि प्रहरी 5000 रुपया में नियुक्त कर दिया है। पूरा रात भर अपना जान जोखिम में डाल के नौकरी कर रहा है, उसको 5000 रुपया दे रहे हैं। ये सुशासन की सरकार है। आज कहता है कि टाइगर है, ऐसा टाइगर को जूता से रौंद डालेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये नौजवान जो है कलेजा पर दाल दरर देगा इन लोगों को। पता नहीं है इस बार असली पाला पड़ा है इन लोगों को, संघर्ष करने वाले। अभी तक नेता से पाला पड़ता था इन लोगों को। जीत के प्रति कितना अस्वस्थ? आश्वस्त क्या होना है, यहाँ हम जितने भी लोग हैं, यह हमारा संघर्ष है। उन लोगों के लिए हारना है, उन लोगों के लिए जीतना है। जो लोग हारने के लिए आए हैं, जीतने के लिए आए हैं। हम तो कल भी सड़क पर थे, आज भी सड़क पर हैं, और कल भी सड़क पर ही रहेंगे। जीतेंगे तब भी सड़क पर, हारेंगे तब भी सड़क पर। यह जो लड़ाई होगी, यह जो जीत होगी, ये लड़ रहे हैं सारे शिक्षित नौजवान, लड़ रहे हैं शिक्षक, लड़ रहे हैं वितरित शिक्षक, लड़ रहे हैं अधिवक्ता, लड़ रहे हैं पत्रकार, लड़ रहे हैं रोजगार के लिए ललायत नौजवान, संविदा पर काम करने वाले जो शोषण के शिकार नौजवान हैं, वे सभी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे। वो हरा कौन देगा? यही लोग वोटर हैं तो हरा कौन देगा? ये सफेद पोष नेता लोग, आई पूरा मंत्रिमंडल उठ के आ गया है, वो पूरा मंत्री लोग आके वोट दे देगा तिरहुत में। वार्ड फॉरवर्ड हो रहा है, कोई वार्ड नहीं चलेगा, अब कोई वार्ड नहीं चलने वाला है। ये सब नेतागिरी, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं चलेगा। जब तक रोटी के प्रश्नों पर धरा रहेगा भारी पत्थर, मेहंदी नहीं रचाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना तुम, मेरी गली में खुशी खोजने कभी अगर जो आना तुम। रोटी की लड़ाई, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, भूख से दम न तोड़े कहीं बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। या लड़ाई जो है हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक
हो इसलिए रा संघर्ष की हम चुने जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। यह लड़ाई इसकी लड़ाई है, कोई नहीं हरा सकता है। ये लोग जो लोक लुभावन बात करने वाले लोग हैं, इस बार नौजवान जवाब देंगे। निश्चिंत रहिए, परिणाम आएगा उस दिन, बात करिएगा। जो है अब जो है काफ़ी टेंस। हाँ, एक हम लोग के नेता जो बोले हैं सत 100% सत्य है, आस्था होगा जीत है। इतना देखा है लोगों के उत्साह चेहरे पर, चेहरे पर उत्साह है, मुस्कान है।